आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? तो पॉइंटर यह वह वेरिएबल होता है जिसमें डेटा का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। अर्थात पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल रादर देन इट्स वैल्यू। एक तरह से पॉइंटर वो वेरिएबल होता है जो किसी डेटा का वैल्यू ने बताकर एड्रेस बताता है। ऑर्डिनरी वेरिएबल तो क्या है, एड्रेस वो बताता है वैल्यू, लेकिन पॉइंटर है वो वैल्यू ने बता के एड्रेस बताता है। तो सी भाषा में एक ये बहुत ही पावरफुल टूल है पॉइंटर। इसका उपयोग उच्च तथा जटिल प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं? इसे स्टार ऑपरेटर द्वारा निम्न प्रकार से सी में घोषित करते हैं। अर्थात सी में इसका सिंटैक्स होता है वो ये होता है, INT*PTR। पॉइंटर ये PTR कोई पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल है ये, तो इसलिए PTR। फिर फ्लॉट स्टार P फ्लॉट प्रकार का वेरिएबल है ये, P पॉइंटर टाइप का पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल है। CHAR*C, तो स्टार ऑपरेटर द्वारा पॉइंटर वेरिएबल को घोषित करते हैं। आप पहले स्टार ऑपरेटर क्या होता है इसको समझो। तो स्टार ऑपरेटर द्वारा पॉइंटर वेरिएबल को घोषित करते हैं तथा पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर एड्रेस का मान या अर्थात वैल्यू ज्ञात करने के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है स्टार ऑपरेटर का। इस पॉइंटर को वैल्यू ऑपरेटर भी कहते हैं इस कारण। नेक्स्ट एंड ऑपरेटर, ये एम्परसेंड ऑपरेटर होता है ना। एंड ऑपरेटर के द्वारा वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पता किया जाता है, इस कारण इसे एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे डी वेरिएबल का एड्रेस ज्ञात करना है तो इसे एम्परसेंड डी लिखना होता है, तो इसे एम्परसेंड डी द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः पॉइंटर वेरिएबल में डी का मान या एड्रेस, डी का पता एड्रेस लिखने के लिए निम्न स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है, P%D, ऐसे लिखते हैं P%D। नीचे दिए गए चित्रानुसार पी एंड डी वेरिएबल लिंक हो जाते हैं। इस टाइप से लिंक होंगे ये, जैसे ये 4521 ये पी पॉइंटर वेरिएबल है उसका, ये वेड यहाँ पे स्टोर होगा, ये पी 4521 4255 ये एड्रेस ऑफ पी, ये पी पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस है। फिर यहाँ पे ये 4521 एड्रेस ऑफ डी, क्योंकि ये पी कहाँ, डी में स्टोर है, तो ये डी वेरिएबल इसका मान 10 है। तो स्टार ऑपरेटर और डी समान मान को प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। आप एडवांटेज ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर के एडवांटेज क्या क्या है, बेसिकली क्या उपयोग है? एक तो क्या, पॉइंटर के द्वारा मेमोरी का मैनेजमेंट बहुत कुशलता से कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट बेहतर काम आता है। इसके द्वारा मेमोरी का स्पेस भी कम लगता है, इस कारण प्रोग्राम की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो एडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के क्या क्या एडवांटेज है? ये आंकड़ों की सारणी को, जो डेटा की जो टेबल होती है एक तरह से, को कुशलता से नियंत्रित करते हैं। इनके द्वारा उसको आसानी से कुशलता से नियंत्रित कर सकते हैं। पॉइंटर के द्वारा फंक्शन में इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना भेज सकते हैं और दिए गए फंक्शन में, और तथा जिससे कि यह फंक्शन में दिए गए बदलाव को कॉल किए गए वेरिएबल में भी अपने आप बदलाव हो जाता है। इससे क्या है, इन्फो आसानी से, जिससे क्या है कि फंक्शन में किए गए बदलाव को कॉल किए गए वेरिएबल में भी अपने आप बदलाव हो जाता है। तीसरा उपयोग है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इससे प्रोग्राम जल्दी रन होता है। चौथा है, इसके द्वारा एरे के एलिमेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से उसकी पहुंच तक जा सकते हैं, आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। और पांचवा है, इसकी सहायता से फंक्शन के बाहर घोषित वेरिएबल को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है पॉइंटर। अब नेक्स्ट इस पॉइंटर में अपन लेते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से अपन मेमोरी निर्धारित कर सकते हैं, एक तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी